गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने क्या क्या कौन कौन सा वेक्टर पढ़ लिया था? समान वेक्टर, असमान वेक्टर, विपरीत सदिश और एकांक सदिश। समान सदिश कौन से होते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं? समान सदिश। फिर अपन ने बात करी थी असमान सदिश की, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि ऐसे सदिश जिनमें या तो दोनों के परिमाण और दिशा अलग अलग हो, या परिमाण अलग हो, ठीक है, तो इस या क्या अलग हो, दिशा अलग हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? असमान सदिश। तीसरी अपन ने बात करी थी विपरीत सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत, विपरीत सदिश कहलाते हैं। और एक सदिश अपन ने पढ़ा था एकांक सदिश। क्या पढ़ा था इसमें? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? इकाई। क्या कहलाता है? एकांक सदिश। ठीक है, आज का जो वेक्टर है वो आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर नाम में कहीं ना कहीं जीरो है, इसका मतलब अंदर भी कहीं ना कहीं जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर कौन सा होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब फिर सर ये वेक्टर कैसे संभव है? जैसे आप बोलो ये डॉटेड आपने दिखाया, इसका कोई परिमाण नहीं है, लगभग किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, उन्हें अपन शून्य सदिश कहते हैं। इसमें कुछ समझने लायक बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका हो गया शून्य सदिश, इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी, वो आपकी रहने वाली है सहरेखीय सदिश। सहरेखीय सदिश, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? कोलीनियर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? कोलीनियर वेक्टर। ऐसे सदिश जिनके जो एक ही रेखा के अनुदिश या तो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, जैसे ये और ये। ठीक है, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये और ये, या अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो, या तो क्या हो? समांतर हो, या क्या हो? प्रतिसमांतर हो। नाम में ही पता चल रहा है सहरेखीय, इसका मतलब क्या है? समान रेखा है। तो ऐसा सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो, सहरेखीय सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जो ख़त्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब तो ये हमारे वेक्टर हो गए डिफरेंट टाइप के, जिनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। इनमें से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट वेक्टर है वो है आपका यूनिट वेक्टर। इसके अलावा आपका कोई भी एक ऐसा वेक्टर नहीं है जो आपके ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे एक विमीय सदिश की। किसकी बात करेंगे? एक विमीय सदिश की। एक विमीय सदिश, वन डायमेंशनल वेक्टर।
ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान से सुनोगे, हमारे पास तीन विमा होती है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। जब कोई भी सदिश किसी भी एक अक्ष के अनुदिश होता है, अपन ने पहले भी बात करी थी हमारे पास कितनी विमा होती है, टोटल कितनी डायमेंशन अपन लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ऐसा सदिश जो केवल और केवल एक ही दिशा के अनुदिश होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जो केवल और केवल एक ही दिशा के अनुदिश होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। या तो केवल और केवल x में हो, या केवल और केवल कहाँ y में हो, और या केवल और केवल कहाँ हो z में। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये काम में आते हैं। ऐसा सदिश जो केवल और केवल एक ही दिशा के अनुदिश होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। अब x डायरेक्शन के अंदर आपने क्या लिया था आई केप, y डायरेक्शन में आपने क्या लिया था जे केप, z डायरेक्शन में आपने क्या लिया था के लिया था कि नहीं लिया था। तो ऐसा सदिश जो केवल और केवल एक ही दिशा के अनुदिश होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। एक अक्ष के अनुदिश आप क्या लेते हो, एक अक्ष में हमने क्या ले लिया आई के, वाई एक्स में हम क्या लेते हैं जे के, और जेड एक्स में अपन क्या लेते हैं के। तो ऐसा सदिश जो केवल और केवल एक ही दिशा के अनुदिश होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। समझ में आ गया आपका। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई केप, ये कौन सी दिशा में है एक्स दिशा में, आर वेक्टर इक्वल्स टू वाई जे केप, ये कौन सी दिशा में है वाई डायरेक्शन में, और तीसरा अपन क्या लिख सकते हैं R इक्वल्स टू जेड के केप, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है Z डायरेक्शन में। तो ऐसा सदिश जो केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन में होता है एक विमीय सदिश कहलाता है। इसमें या तो अकेला I केप आएगा, या अकेला J केप आएगा, या अकेला के केप आएगा, इसमें कोई भी दो साथ में नहीं आ सकते, ऐसे ध्यान रखना आपको। जिसमें केवल और केवल अकेला आए वो आपका कौन सा सदिश होता है एक विमीय सदिश, ठीक है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करेंगे द्विविमीय सदिश की। किसकी बात करेंगे, द्विविमीय सदिश की। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है आपके पास कि ऐसा सदिश जो कितनी दिशाओं में होता है, दो दिशाओं में, द्विविमीय सदिश कहलाता है। इसका मतलब दो दिशाओं में कौन कौन से में हो सकता है, x और y में हो सकता है, या y और z में हो सकता है, या z और x में हो सकता है। तो ऐसा सदिश जो दो दिशाओं के अनुदिश होता है द्विविमीय सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जो दो दिशाओं के अनुदिश होता है द्विविमीय सदिश कहलाता है। तो अपन इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे केप, या आर इक्वल्स टू वाई जे केप प्लस जेड के केप, या आर इक्वल्स टू जेड के केप प्लस एक्स आई केप। तो इसके अंदर कितने आएंगे, दो दो, ठीक है। तो ऐसा सदिश जो दो दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है या दो दिशाओं के अनुदिश होता है द्विविमीय सदिश कहलाता है। इसमें किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो, आई केप जे केप, या जे केप के केप, या के केप और आई केप। तो जब भी दो जोड़े के साथ में आए तो उसको आप क्या लोगे, द्विविमीय सदिश, ठीक है। अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय सदिश की। त्रिविमीय सदिश, तो ऐसा सदिश जो तीनों दिशाओं के अनुदिश होता है त्रिविमीय सदिश कहलाता है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, तीनों आएंगे एक साथ, R इक्वल्स टू
एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। ऐसा सदिश जो तीनों दिशाओं के अनुदिश होता है त्रिविमीय सदिश कहलाता है। एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और जेड के केप, ठीक है बेटा। तो अगर तीनों दिशाओं के अंदर आता है तो आपका ये बन जाएगा, अगर सिंगल दिशा के अंदर आता है तो आपका एक ही टर्म आएगी, और अगर दो आते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स आई केप और वाई जे केप। अगर इसको अगर अपन 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो अब ध्यान से देखना आप, यह आपका x डायरेक्शन, यह आपकी y डायरेक्शन और यह आपकी z डायरेक्शन। इसके अंदर आपका कंपोनेंट कौन सा आया था, i केप। इसमें आपका कंपोनेंट कौन सा आया था, j केप। और इसमें आपका कंपोनेंट कौन सा लिया है आपने, k केप, ठीक है बेटा। अगर अपन x डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो एक विमीय सदिश होता है वो या तो x के अनुदिश होगा या y के अनुदिश होगा या z के अनुदिश होगा। तो एक विमीय सदिश हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक विमीय सदिश हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है, कैसे सर, या तो वो x के अनुदिश होगा या वो y के अनुदिश होगा और या वो किसके अनुदिश होगा, z के अनुदिश। तो इन बातों को आप लिखते रहना, एक विमीय सदिश हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है। तो अपन अगर लिखना चाहें नोट बना के, एक विमीय सदिश हमेशा एक रेखा को, एक विमीय सदिश हमेशा एक रेखा को प्रदर्शित करता है, समझ में आ गया। अगर अपन बात करें द्विविमीय सदिश की, तो द्विविमीय सदिश में अपन क्या देखते हैं कि द्विविमीय सदिश में दो कंपोनेंट होते हैं, x भी होता है और y भी होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा i केप और j केप वाला, या अपन क्या हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करेगा तो j केप और के केप, या के केप और आई केप, ठीक है बेटा। तो द्विविमीय जो सदिश होता है वो हमेशा एक तल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तल को, क्योंकि हमेशा दो जब आप लोगे साथ में तो तल को ही तो दिखा रहा है। यहाँ से आई केप लिया, इधर से जे केप लिया, तो बना कौन सा भाग, ये वाला भाग, और ये वाला भाग कौन सा तल है, एक्स वाई तल या आई केप जे केप तल, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको। तो जो द्विविमीय सदिश होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, द्विविमीय सदिश हमेशा एक तल को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, एक तल को प्रदर्शित करता है। और फाइनल अपना कौन सा बच गया, त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश में लेंगे जब अपन एक्स भी लेंगे, वाई भी लेंगे और जेड भी लेंगे। अगर त्रिविमीय सदिश की अपन बात कर रहे हैं तो x भी इंक्लूड हो रहा है, y भी इंक्लूड हो रहा है और z भी इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी किसको इंटायर कर रहा है, 3D को। तो अपन बोल सकते हैं तभी इसका नाम क्या है, त्रिविमीय, त्रिविमीय सदिश हमेशा
3D मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D को प्रदर्शित करता है। तो ये जो आपका त्रिविमीय सदिश है ये हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, 3D को। तो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर पढ़े, एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश। आपको केवल और केवल ध्यान रखना है कि एक विमीय सदिश में या तो आई के पाएगा या जे के पाएगा और या के पाएगा। द्विविमीय सदिश में या तो आई केप जे के पाएंगे या जे केप के पाएगा या के और आई के पाएगा। और जो त्रिविमीय सदिश है उसमें आई केप जे केप और के हमेशा तीनों इंक्लूड होते हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो आपकी सीधी सीधी बातें थी बेटा, जो आपके इतनी ज़्यादा काम में नहीं आएगी। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एक विमीय है, कौन सा द्विविमीय है और कौन सा आपका त्रिविमीय है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक सदिश दे दिया ए इक्वल टू जे के, बी इक्वल टू दे दिया जे के प्लस के, सी इक्वल टू दे दिया आई के प्लस के, डी इक्वल टू दे दिया आई के प्लस जे के प्लस थ्री के, ठीक है। और आपसे बोले कि इनमें से बताओ कौन सा सदिश कौन सी विमा के अनुदिश है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, जिसमें केवल और केवल आई के पाए वो कौन सा, या जे के पाए या के पाए, वो सारे सदिश कौन से होते हैं, एक विमीय सदिश। जिसमें आई केप जे केप या जे केप केप या केप आई केप आता है वो कौन सा सदिश होता है, द्विविमीय सदिश। और जिसके अंदर आई केप जे केप और केप तीनों आते हैं वो आपका कौन सा सदिश होता है, त्रिविमीय सदिश। तो इसमें क्या आ रहा है, केवल और केवल आई केप आ रहा है तो ये एक विमीय सदिश है, ये आपका कौन सा हो गया, एक विमीय। इसमें देखो जे केप और केप दोनों आ रहे हैं तो ये आपका कौन सा हो गया, द्विविमीय। ये भी आपका कौन सा हो गया, द्विविमीय। और ये आपका कौन सा हो गया, त्रिविमीय। तो बस आपको इतना ही सी पहचान आनी चाहिए कि कौन सा सदिश आपका एक विमीय है, कौन सा सदिश आपका द्विविमीय है और कौन सा सदिश आपका त्रिविमीय है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो आप इनको बना सकते हो। अब जो अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग रहने वाली है वो है सदिशों का संयोजन। कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, सदिशों का कॉम्बिनेशन करना है, क्या करना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट रूल पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके बहुत ज़्यादा काम आता है आपके पेपर में, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और जब आगे आप सोल्व करने जाओगे तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी भी जाती है। तो इसको अपन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और इसके अंदर जो पहला ही पहला जो रूल है आपका वो है
त्रिभुज योग नियम, कौन सा? त्रिभुज योग नियम। तो इसके अंदर जो पहला रूल है वो रहने वाला है आपका त्रिभुज योग नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। त्रिभुज योग नियम या त्रिभुज का नियम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या इसमें ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है, यदि किसी त्रिभुज की, अभी अपन इसको बनाएंगे, आज मैं केवल आपको इसको लिखवाऊंगा, कल इसको आप समझाऊंगा और कल इसको लिख लेना आप, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं, पहली भुजा ए हो गई और दूसरी भुजा क्या हो गई, ये हो गई। यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। तो वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर ऑफ पी प्लस वेक्टर ऑफ क्यू। क्या बोला, ध्यान से सुनना, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पे दो नाम आए, एक तो समान क्रम और दूसरा विपरीत क्रम, तो इनके ऊपर बात करेंगे पहले, यह आज समझना ज़रूरी है आपको, समान क्रम, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि कोई भी सदिश होता है जब उसको अपन निरूपित करते हैं तो आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेड, और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। जब ध्यान रखना, टेल से हेड जुड़ा हो या हेड से टेल जुड़ी हो तो इसको बोलते हैं समान क्रम। क्या बोलते हैं, समान क्रम, ठीक है। याद रखना, जब टेल से एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के हेड से जुड़ा हो उसको बोलते हैं समान क्रम। उल्टा भी हो सकता है, एक सदिश का हेड दूसरे सदिश के किससे जुड़ा हो, टेल से, तो उसको भी क्या बोल देंगे, समान क्रम। अब दूसरा अपने नाम आया विपरीत क्रम, तो इसमें क्या बोलेंगे, टेल से टेल जुड़ी हो और हेड से हेड जुड़ा हो तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, विपरीत क्रम को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई बेटा, टेल से क्या जुड़ा हो, टेल, और हेड से क्या जुड़ा हो, हेड, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं विपरीत क्रम में। और जब टेल से हेड जुड़ा हो या हेड से आपकी क्या जुड़ी हो, टेल, उसको अपन क्या प्रदर्शित करते हैं, समान क्रम में। अब अपन यहाँ देखेंगे, अब इसका ये देखो, ये क्या है, इसका टेल और ये इसकी क्या है, हेड। इसी प्रकार ये इस दूसरे वाले सदिश के लिए ये क्या है, टेल, और इसका हेड कहाँ है, यहाँ पे। और इसी प्रकार इस तीसरे सदिश के लिए ये तो क्या है, टेल, और यहाँ क्या है, हेड, ठीक है। अब देखो, इस पी सदिश का जो हेड है वो किसके, क्यू सदिश के किससे जुड़ा है, टेल से। पी सदिश का जो हेड है वो क्यू सदिश के किससे जुड़ा है, टेल से। इसका मतलब जब हेड टेल से जुड़ता है तो वो क्या कहलाते हैं, समान क्रम में। समझ में आया। और अब देखो, पी सदिश का जो टेल है वो आर सदिश के किससे जुड़ा है, टेल से। इसी प्रकार क्यू सदिश का जो हेड है वो आर सदिश के किससे जुड़ा है, हेड से। और जब टेल टेल से और हेड हेड से जुड़ता है
तो उसको क्या बोलते हैं? विपरीत क्रम। बहुत ही ध्यान से सुनना है और ये बहुत ही अपने माइंड में इसको अच्छे से बिठा लेना है। समान क्रम का मतलब होता है कि जब एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के हेड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं समान क्रम, ठीक है। इसी प्रकार एक सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल से जुड़ता है उसको भी समान क्रम बोलते हैं। लेकिन अगर टेल टेल से जुड़ जाए, हेड हेड से जुड़ जाए, तो उसको अपन बोल देंगे विपरीत क्रम, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने क्या लिखा कि त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करते हैं तो तीसरा सदिश विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगा। तो सदिश P और सदिश क्या है, समान क्रम में है, तो तीसरा सदिश जो R है वो इनके किसको प्रदर्शित कर रहा है, योग को। तो बहुत ही सीधी सी डेफिनेशन है कि जब दो सदिश यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। तो आज आप ये समझना समान और विपरीत, कल अपन त्रिभुज योग नियम लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।